और अति पिछड़ों को उन्होंने अपना बंधुआ मजदूर बनाकर रखा था। तेजस्वी यादव के अति पिछड़ा वाला बयान अब बहुत तेजी से ट्रेंड करे लागल बा। तेजस्वी यादव के सबसे ज्यादा जौन नुक्ताचीनी करेले और उनका लालू परिवार पर हमला करे वाला में से एगो शख्स बाड़े बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी यह बात के लोक ले बड़े और वो यह बात के लेकर के पूरा जम के आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमला करते रहे। हमला के दौरान वो कहले है का कि तेजस्वी यादव के परिवार उनकर माता और पिता 15 साल बिहार पर शासन के लिए पूरा बिहार के नाश कर दिया लोग और एक साथ साथ धन संग्रह करे में अति पिछड़ा लोग उनका से दूर हो चल गए ऐसे कि केहू खातिर कुछ ना कही दे। वही वो यही बात के कहले है कि जब प्रधानमंत्री पर हमला करता है तो प्रमाण उनका के दे दी हम और प्रमाण देवे में वो कई ऐसा नाम ले ले है जौन की पीएमओ में यह वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग से आरल बड़े अल्पसंख्यक वर्ग से आरल बड़े और एक साथ साथ अन्य वर्ग से आ रहा बड़े। वो सीधे सीधे नाम ले ले है कि उठा के देख ली सिक्किम के राज्यपाल के बा। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया कौना वर्ग से आवेले। झारखंड के राज्यपाल आदिवासी ऊ कौना कौन से आवेले, ऊ कहाँ से आवेली, ऊ कौना वर्ग से बाड़ी। एक साथ साथ वो इहो कहले है कि जो प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव बाड़े वो भी आदिवासी बाड़े। एक साथ साथ बहुत सारा नाम गिनौले है और एक लेकर के तेजस्वी यादव के बयान पर जम के हमला कैले है। इस बीच में वो पत्रकार लोग से बातचीत के दौरान कहाँ का कहले है वो सारा बात पहले सुन ली। जिन लोगों ने 15 साल बिहार में राज किया उनको लगता था कि पिछड़ों के वोट पर उनका एकाधिकार है और अति पिछड़ों को उन्होंने अपना बंधुआ मजदूर बनाकर रखा था। और आज जब पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है तो इनको जलन हो रही है, इनको परेशानी हो रही है। और आपको बता दें कि ये पूछ रहे हैं कि पीएमओ में कौन है पिछड़ा, तो नरेंद्र मोदी जी का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, जो उनका निजी सचिव है, वो आदिवासी समाज से आने वाला राजीव टोपनो जो है उनका प्राइवेट सेक्रेटरी। नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने बिहार के भगवान लाल साहनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का और अध्यक्ष बनाया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने पिछड़े वर्ग के वर्गीकरण के लिए अलग से आयोग का गठन किया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला को झारखंड का राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जो दलित समाज से आते हैं और बेबी रानी मौर्य जो रविदास समाज से आती है उनको हरियाणा और उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया। गंगा प्रसाद चौरसिया एक अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को उन्होंने सिक्किम का राज्यपाल बनाया। तो इन लोगों को इन लोगों की कठिनाई ये है कि इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं और एक एक करके सारी अति पिछड़ी जातियों ने राजद का साथ छोड़ दिया और इसी गुस्से में उन्होंने पहले एक टिकट दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने जो 17 टिकट दिया उसमें अति पिछड़ा समाज ने केवल एक टिकट दिया है और पूरे गठबंधन ने 3 टिकट दिया जबकि हमारे गठबंधन ने 7 से ज़्यादा अति पिछड़ा समाज के लोगों को और टिकट देने का काम किया है। तो जिनकी मनोप जो मोनोपोली समझ रहे थे उनका उनका जो पिछड़े की परिभाषा थी वो माए तक आकर सिमट गई और हम लोगों ने पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा, यहाँ तक कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनका भी ख्याल रखा और इसलिए बिना एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को छुए हुए और 10% का आरक्षण ऊंची जाति के लिए गरीब लोगों को हम लोगों ने देने का काम किया। जिसन की सुननी सुशील कुमार मोदी जम करके तेजस्वी यादव के वो हर बात के काटता रहे अपना प्रमाण से और उकरा के प्रमाण देता रहे। एक मतलब बा कि बिहार के राजनीति में अब बहुत कुछ देखे के मिली। अभी 5 चरण के चुनाव बाकी बा,
और ये 5 चरण के चुनाव में बहुत कुछ खुल के सामने आई। इंतजार करी सब हर खुलासा के रुवा लोग तक पहुँचावे खातिर हमने के जिम्मेवारी ले बन जा, हर छोट बड़ खबर रुवा लोग तक पहुँचाई जा। ये पूरे चुनाव तो पहुँचबे करी, एक साथ भी हमने के लंबा समय से एक दूसरा के सामने बनी जा। हमने के प्रयास रुवा लोग के कैसन लागता, खबर कैसन लागता, जरूर अपन विचार देव सब। और साथे साथे अगर कोई सुझाव बा तो कमेंट बॉक्स में लिखा या फिर नंबर बोलिए 72777-65303 7277-65303 एक पर हुआ व्हाट्सएप भी कर सकी ले। फिर कोनो खबर लेकर मिलता नहीं गोड़ा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।